हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 20,000 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी आपको पता है फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर जो है वो सेल होने वाला है, तो आपको काफ़ी अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स मिलेंगे। तो मैं आपको जो है 20,000 के अंदर बेस्ट स्मार्टफोन्स बताऊँगा, तो वो आप खरीद सकते हैं, आपको डिस्काउंट पर भी मिलेंगे फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि हम लोग 2000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब है। दोस्तों प्लीज़ फटाफट से कर देना क्योंकि मैं 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ इस चैनल पर और अभी भी 2000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहना। आगे चल के हम लोग असली स्मार्टफोन्स की वीडियो भी बनाएंगे, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे लिस्ट में सबसे पहले जो स्मार्टफोन आता है वो है पोको की तरफ से, पोको X3। तो ये स्मार्टफोन बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि ये अभी अभी लॉन्च हुआ है और आपको लेटेस्ट जो है चीज़ें स्मार्टफोन में मिलती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके डिस्प्ले से। इसमें आपको बड़ा डिस्प्ले मिलता है 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में, साथ में आपको यहाँ पर क्वाड कैमरा सेटअप भी मिल जाता है। और इसकी जो प्राइसिंग है वो है सिर्फ 17,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, इसका जो बेस वेरिएंट है 664 वो आपको सिर्फ 17,000 का मिल जाता है। साथ में आपको 6GB रैम 128GB वेरिएंट भी मिलता है जो आपको 18,500 का मिलता है। और सबसे लास्ट वेरिएंट जो है 8GB रैम 128GB स्टोरेज वो आपको 20,000 का मिल जाता है। साथ में आपको जो प्रोसेसर है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है स्मार्टफोन में, स्नैपड्रैगन का 732G, और बड़ी बैटरी मिलती है 6000mAh की। तो ये स्मार्टफोन आप जरूर से खरीद सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त स्मार्टफोन है। और इन सारे स्मार्टफोन्स की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ से बाय कर सकते हैं। इसके बाद में अगला जो स्मार्टफोन आता है वो है रियलमी की तरफ से, रियलमी 7 प्रो। ये स्मार्टफोन भी अभी अभी लॉन्च हुआ है और काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन है। और ये जो स्मार्टफोन है ये मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद है क्योंकि आपको इसमें सुपर एमोलेड का डिस्प्ले मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, 20,000 के अंदर आपको सुपर एमोलेड का डिस्प्ले मिल जाता है, जो एक काफ़ी बढ़िया बात है क्योंकि डिस्प्ले जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्मार्टफोन का, और ये हम लोग डेली यूज़ करते हैं, तो इसीलिए डिस्प्ले जो है इसमें आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। इसमें भी आपको 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, प्रोसेसर भी इसका अच्छा है स्नैपड्रैगन 720G, साथ में ये आपको 4500mAh की बैटरी के साथ में मिलता है, और 64MP का क्वाड कैमरा सेटअप आपको मिल जाता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये आपको मिलता है 6 128GB वेरियंट 20,000 का, और 8 128GB वेरियंट 22,000 का। तो ये आप जैसे चाहे आप खरीद सकते हैं। इसके बाद में अगला जो स्मार्टफोन आता है जो काफ़ी कॉमन स्मार्टफोन है, Xiaomi की तरफ से Redmi Note 9 Pro Max। ये भी स्मार्टफोन अच्छा है लेकिन ये हमारे लिस्ट में काफ़ी लो में इसको प्रेफर करूँगा क्योंकि इसमें आपको थोड़े से जो स्पेसिफिकेशन है वो कम मिलते हैं, लेकिन हाँ आपको जो है ओवरऑल देखा जाए यानी कि परफॉर्मेंस के मामले में ये सारी चीज़ें आपको अच्छी मिल जाती है। तो ये जो स्मार्टफोन है इसमें आपको बड़ा डिस्प्ले मिलता है, काफ़ी बड़ा 6.6 इंचेस का, साथ में चिपसेट भी आपको रियलमी 7 प्रो की तरह सेम मिल जाता है, स्नैपड्रैगन का 720G। इसके अलावा आपको बैटरी बड़ी मिलती है 5000mAh की, 64MP का क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, और 32MP की सेल्फी मिलती है, जो Xiaomi और Redmi के स्पेशली जो फैंस होते हैं उनके लिए स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है। तो ये आपको मिलता है 664 वाला वेरिएंट 17,000 का, 6128 18,500 का, और 8128 20,000 का। इसकी जो प्राइसिंग है वो सिमिलर है पोको X3 से, तो अगर मैं इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करने जाऊँ तो मैं पोको X3 को ही प्रिफर करूँगा, तो वो थोड़ा इससे बेटर है। लेकिन हाँ, जो भी Redmi के फ़ैन है वो ये स्मार्टफोन ज़रूर से खरीद सकते हैं। इसके बाद में अगला जो स्मार्टफोन है जो पर्सनली मेरा फेवरेट है अंडर 20,000 रुपीज़, वो है Motorola की तरफ से Motorola One Fusion Plus। ये आता है 6GB रैम 128GB स्टोरेज वेरियंट में, और सिर्फ 17,500 का। आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिलती है, पॉपअप सेल्फी मिलती है, जो कोई भी स्मार्टफोन इतनी कम प्राइस में शायद ही दे देता है या फिर नहीं भी। इसके अलावा इसमें आपको चिपसेट जो है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है, स्नैपड्रैगन का 730G और लेटेस्ट चिपसेट है, साथ में डिस्प्ले भी कमाल का मिलता है, 64 का क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है, साथ में आपको 16MP की सेल्फी मिलती है, और बैटरी भी काफ़ी बड़ी मिल जाती है। तो ये स्मार्टफोन भी मुझे काफ़ी पसंद है अंडर 20,000 रुपीज़। और सबसे लास्ट जो स्मार्टफोन हमारी लिस्ट में आता है वो है सैमसंग। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। आपको पता है सैमसंग के जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो डिस्प्ले के मामले में ज़बरदस्त होते हैं। तो सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी M31S ये जो स्मार्टफोन है वो आपको कमाल का मिलता है, और वो भी सिर्फ
अंडर 20,000 रुपीज़। तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा डिस्प्ले मिलता है 6.5 इंच का, सुपर एमोलेड की स्क्रीन मिलती है। साथ में इसका जो चिपसेट है वो थोड़ा सा पुराना है, लेकिन हाँ आप जो भी गेमिंग, हाई एंड गेमिंग, साथ में जो भी नॉर्मल काम कर सकते हैं वो आप इस स्मार्टफोन में बिल्कुल आराम से कर पाएंगे, ऐसे कोई भी बात नहीं है। लेकिन हाँ थोड़ा सा अगर नया प्रोसेसर देते तो काफ़ी अच्छा हो जाता। इसके अलावा ये स्मार्टफोन जो है वो आपको 6000 mAh की बैटरी के साथ में मिलता है, 64 का क्वाड कैमरा सेटअप भी मिल जाता है। तो इसका जो बेस वेरिएंट है 6128 वो आपको 19,500 का मिल जाता है, और जो हायर एंड वेरिएंट है 8128 वो आपको 21,500 का मिल जाता है। तो ये रहा सैमसंग गैलेक्सी M31s। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक और स्मार्टफोन प्रीफर करना चाहूँगा, वो है सैमसंग गैलेक्सी का F41। तो ये जो स्मार्टफोन है वो आपको पता है अभी अभी लॉन्च हुआ है, और इसकी प्राइस है 15,500 rupees। तो ये आपको काफ़ी कम प्राइस में अच्छा स्मार्टफोन मिल जाता है। अगर ये सारे स्मार्टफोन आप खरीद नहीं सकते हैं तो वो स्मार्टफोन आप ज़रूर से खरीद लेना, काफ़ी अच्छा आपको फीचर्स स्पेसिफिकेशन देता है। तो ये थे हमारे टॉप 5 स्मार्टफोन्स अंडर 20,000। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ दोस्तों, सारे स्मार्टफोन्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लेना। तो मैं आपको मिलता हूँ एक और नए फ्रेश वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।